फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद एनिमा। आप सभी का स्वागत है। आज के मेरे वीडियो में आप सभी के साथ लॉरियल पेरिस की स्किन परफेक्ट एंटी इम्परफेक्शंस वाइटनिंग क्रीम का रिव्यू करूंगी, क्योंकि अभी वेदर चेंज हो गया है। तो वेदर चेंज होने के साथ साथ हमारे जो स्किन प्रोडक्ट हैं वो भी चेंज हो गए हैं। अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगी है तो आप इसकी ये क्रीम यूज़ कीजिए। साथ ही साथ ये यूवी फिल्टर्स हैं, ग्लो एंड फेयरनेस क्रीम में फ्लेमलेस लुक। सो गाइस, अगर आपकी एज 20 प्लस है तो आप इस क्रीम को यूज़ कर सकती हैं। इसके अंदर विटामिन 3 एक्स कॉम्प्लेक्स है। सो गाइस, और इसकी जो प्राइस है वो 315 रुपीज़ इसकी प्राइस है, विद स्किन परफेक्ट फेशियल फोम। और इसके अंदर क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स है वो भी यहाँ पे लिखे हैं, तो आप देख सकते हैं। और अंदर से ये कुछ इस तरीके की है, मीन्स मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। फेयरनेस क्रीम है और इसकी फ्रिग्रेंस काफ़ी अच्छी है। मोस्टली क्या होता है, जैसे जैसे वेदर चेंज होता है उसका प्रभाव हमारी स्किन पर भी पड़ता है और हमारी स्किन की जरूरतें भी चेंज हो जाती हैं। सो गाइस, अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगी है तो आप ये यूज़ कर सकती हैं। और ये काफ़ी मतलब ज़्यादा अच्छी है, फेयरनेस लुक देती है, चेहरे को एकदम वाइट बना देती है। सो आप देखिए, नेचुरल ग्लो और फ्रिक्वेंस भी काफ़ी मतलब ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना रही है। बहुत सी गर्ल्स वुमेंस ऐसी होती हैं जिनको फेयरनेस क्रीम लगाना पसंद है। अगर वही फेयरनेस समर वाली क्रीम वो विंटर में लगाएगी तो उनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो जाएगी और बहुत बुरी लगेगी। तो उसकी जगह आप ये क्रीम लगाइए, या आपके फेस को एक नेचुरल लुक देंगे, साथ ही आपकी स्किन को मॉइस्चर देंगे और हाइड्रेट रखेंगे, उन्हें ड्राई नहीं होने देंगे। तो आप इसे यूज़ कीजिए। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं।